फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और क्या आप भी मेरी तरह अपने घर के कॉर्नर को सजाना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने घर के कॉर्नर में छोटे छोटे से स्टूल रख रखे हैं और इन पे कुछ डेकोरेट कर रखा है। तो क्या आप भी सजाना चाहते हैं घर की ही कुछ पुरानी चीज़ों से अपने घर के कॉर्नर को? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे सजा सकते हैं। जी हाँ, ये बाल्टी जो है इससे ही हम एक स्टूल बनाएंगे बहुत सुंदर, और ये वाला फैब्रिक लगाएंगे इसमें। तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी, और इसे बनने के बाद कोई नहीं बता पाएगा कि ये बाल्टी है, और इससे आप अपने घर का एक कॉर्नर बहुत अच्छे से सजा लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका ये कुंदा निकालेंगे। इसका कुंदा निकाल लिया। अब हमें ये कपड़ा लेना है। कपड़ा देख सकते हैं, इसकी हमें ये कितना लेना है कपड़ा, जैसे ये यहाँ तक इतना जितना ये है इतना, फिर वापस ये यहाँ तक। इधर भी सेंटर और इधर भी लगभग सेंटर, और इसकी जो हम वो लेंगे लेंथ वो हम ऐसे लेंगे, इससे ये है इतना इतना, तो ये हो गया। इससे डबल ले लेंगे, डबल पूरा ये इस तरह, ये हमारा यहाँ पे डबल हो गया, डबल तो दो लेयर में हो गया हमारा, डबल हो गया ये। तो इतना हमें कपड़ा लेना है इसके लिए। देखो अब मैंने ये कपड़ा मतलब पूरा कटिंग कर लिया है। एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे करना है। तो दोनों तरफ से सेंटर है और ये डबल कपड़ा है, तो बाल्टी पे अच्छे से आ पा रहा है। अब हम इस पूरे कपड़े में दोनों तरफ इस तरह नेफा मोड़ लेंगे, नाड़ा या रस्सी कुछ भी डालने के लिए। तो नेफा मोड़ने के लिए हमने ना पहले इसके किनारे मोड़ लिए हैं ताकि नाड़ा डालने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो उसके लिए। तो दोनों तरफ से पहले किनारे हम मोड़ लेंगे इसके इस तरह से, और अब हम जैसे नेफा मोड़ते हैं हम ऐसे मोड़ देंगे। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा नहीं है तो आप अपने पुराने दुपट्टे से बना सकती हैं। देखो दोनों तरफ से नेफा मुड़ गया है, और ये मैं इसको अब इस तरह जोड़ते हुए पूरा इसको गोल कर दूंगी, मतलब यहाँ से मैं पूरी सिलाई लगा दूंगी अच्छी सी मजबूती से, और नाड़ा डालने की जो हमने इसमें जगह बनाई थी वो साइड में छूट गई है, तो उसमें से हम इसमें नाड़ा डाल लेंगे। तो चलिए नाड़ा डाल लेते हैं। और देखो पायल भी आ गई है स्कूल से, अब मैं सुबह से काम में ही लगी हूँ, पहले काम ख़त्म किया फिर ये बनाने लग गई थी। और अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, देखो 2:45 बज रहे हैं, और अभी ये मेरा प्रोजेक्ट बना नहीं है। तो चलिए जितना हुआ है अब इसमें आगे का काम कर लेते हैं। इसमें मैंने ना नाड़ा मेरे पास इतना लंबा था नहीं, तो मैंने ये सुतली ली है, तो सुतली को ही मैंने इसका एक तरफ का जितना हिस्सा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लिया है। तो इसे मैं दोनों तरफ डाल दूंगी पिन की मदद से। ये देखो दोनों तरफ नाड़ा डल गया। अब इसमें हम बाल्टी को एडजस्ट करेंगे, पहले हम पीछे की साइड से डाल देते हैं देखो, और चुन्नट को ये जो इसमें सलवटे हैं मतलब चुन्नट कह सकते हैं आप इसको, आप एडजस्ट कर सकते हैं चारों तरफ इक्वल इक्वल, ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत सारी इकट्ठी हो रही हैं, तो फैला लें इसको अच्छे से सेट कर लें। और अभी मैं थोड़ा हल्का ढीला सा ही बांध रही हूँ, पहले उधर से सेट करके तब इसको मैं प्रॉपर टाइट करूँगी। तो देखो उधर से मैंने ये कस दिया है, अब इधर से भी मैं इसको देखो एक ही तरफ सारे चुन्नट हो रही हैं, तो इन्हें घुमाते हुए चारों तरफ इनको मैं सेट कर दूंगी। और ये हमारा बिल्कुल फ्री में एक स्टूल बन के तैयार हो जाएगा, अभी आप देखेंगे कितना अच्छा बनेगा। तो इस तरह टाइट करते हुए इसको भी हम अच्छे से बांध देंगे, और जो ये हमारी एक्स्ट्रा रस्सी है इसे हम इसी में अंदर छोड़ देंगे। और इसमें अगर आप रखना चाहते हैं तो सामान भी रख सकते हैं। देखो अभी ये काफ़ी ढीला है,
देखो ढीला लग रहा है, तो मैंने सब सेट कर दिया चुन्नटे पहले, तब उसके बाद मैं इसको प्रॉपर कस दूंगी। अभी जितना भी ढीला है इसको थोड़ा सा देखो कितना कसा गया, तो इस तरह ही इसको प्रॉपर कस के ये हमारा स्टूल बन के तैयार है। अब आप कहेंगे ये स्टूल कैसे हुआ, तो अभी बताती हूँ स्टूल ये कैसे बनेगा। कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इस तरह की आप कोई एक प्लेट ले लें, मेरे पास ये थाल है तो इस पर मैं पेंट कर दूंगी, चाहे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाइट कलर भी रखा है तो मैं इसे पूरी थाली को इससे पेंट कर दूंगी, जिससे थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगेगा। थोड़ी देर इसे सूखने के लिए रख देंगे। देखो ये प्लेट सूख गई है, तो अब मैं इधर मैंने नहीं किया इस पर, एक ही साइड किया है कलर, तो ये इस पर रख देंगे और इसके आप कुछ ऊपर आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टूल रेडी है, कितना टनाटन। लेकिन इस पर अभी हम थोड़ा सा काम और करेंगे, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ प्लेट से छोटा, देख सकते हैं आप, ताकि उसके बीच में सेंटर में आ जाए। इसके चारों तरफ हम इस तरह की ये लेस लगा लेंगे, मेरे पास ये लेस रखी है, ये प्लेसमेंट का काम करेगा, जैसे छोटे छोटे से मैट आते हैं ना। तो ये देखो, ये मैंने देखो मैं आपको अब डेकोरेट करके दिखाती हूँ कोना, इस वाली बार सर स्टूल से कितना अच्छा लगेगा। ये हमने यहाँ प्लेस कर दिए, इसके ऊपर हमने प्लेट प्लेस कर दिए, ये जो हमने बनाया ये रख दिया, इसके ऊपर रखेंगे हम ये प्लांटर, और अब हम इसमें रखेंगे एक गमला। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा सस्ता मजबूत टिकाऊ स्टूल बन के तैयार हुआ है आपका। आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है, गजब का। अरे ये खूब वजन ले लेगा, ऐसा नहीं है कि इस पर आप हल्की चीज़ रख सकते हैं, भारी भी रख सकते हैं। देखो अब मैं दूसरा प्लांटर आपको रख के दिखा रही हूँ इस पर, जो उधर कोने में रखा था, तो ये भी इस पर कितना सुंदर लग रहा है, पूरा जच रहा है एकदम। आप इसे यहाँ पे रख के कहीं भी, मतलब जहाँ भी आपको लगे, उड़ली भी इसके ऊपर सजा सकते हैं, इस तरह रख दीजिए। ये मैं थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। और इसे आप कॉफ़ी टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब मैं कभी कभी नीचे बैठ के काम करती हूँ इस तरह रूम में, तो साइड में टेबल की ज़रूरत होती है, तो मैं इसे यूज करूँगी। ये बहुत ही हल्की सी टेबल बन के तैयार हुई है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास में जो घंटी का बटन होता है उसे भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए मेरी वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। सभी को नमस्ते एंड राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए।